ओके, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट साइंस क्लास 7 का, ठीक है। ये चैप्टर 7 है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर का नाम है वेदर क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। किसी भी क्लाइमेट में है ना, सबसे पहले एक एक टर्म को आज समझना है और एक ही दिन में सब कुछ नहीं बताएंगे। आज प्रॉपर हम लोग वेदर के ऊपर डिस्कस करेंगे। आप सुने होंगे कि कहीं पे काफी ठंडी पड़ रही है, कहीं पे काफी गर्मी आ रही है, गर्मी पड़ रही है, यहाँ पे नॉर्मल है, गर्मी भी है ठंडी भी है, हर सीजन यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो अब कंडीशन है कि इन सारे क्लाइमेट, इन सारे सिचुएशन में क्या ऑर्गेनिज्म नहीं रहते हैं? सारे सिचुएशन में ऑर्गेनिज्म रहते हैं। यहाँ अगर नॉर्मल लाइफ स्टाइल है तो राजस्थान में इतनी गर्मी के बावजूद भी लोग वहां रहते हैं। आप ट्रॉपिकल रीजन में चले जाओ, जम्मू कश्मीर उधर ठंडी प्रदेश में चले जाओ, वहां भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रहते हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये आपको आवर एनवायरमेंट के नाम से चैप्टर 10th में भी मिलेगा और 7th में तो ये है, ठीक है। तो एक्चुअली में होता क्या है पहले इसको समझ लीजिए। आज के डेट में मौसम को समझना, वैसे मौसम को समझना बिल्कुल आसान है। हम अपने एनवायरमेंट के चारों तरफ देखेंगे, नजर दौड़ाएंगे तो मौसम ऑटोमेटिक समझ में आ जाता है। जैसे देखिए, आपने सुबह में उठा, मौसम कैसा था? नॉर्मल था, न ज्यादा गर्मी थी न ठंडी पड़ रही थी, ठीक है। फिर समय बदला, दो घंटे बाद टेम्परेचर बढ़ गया, पता चला दो घंटे बाद थोड़ी हवा तेज चलने लगी जैसे आजकल चल रहे हैं, फिर दो घंटे बाद बारिश हो गई, फिर दो घंटे बाद बारिश खत्म हो गई, फिर शाम हो गया। तो ये जो हमारा चेंजिंग है इसको हम क्या कहेंगे? ये वेदर है ना, इसमें जो बदलाव आ रहे हैं यही वेदर है। तो इसके कुछ ना कुछ फैक्टर होंगे कि वेदर क्या होता है, उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले वेदर को डिफाइन करते हैं, ठीक है। वेदर को डिफाइन करते हैं, क्या होगा वेदर, ठीक है। क्या लिखेंगे? द डे टू डे कंडीशन, द डे टू डे कंडीशन, ओके, the day-to-day condition of the atmosphere, okay, at the of the atmosphere at a place, at a place, तो किसी खास जगह पे दिन बाय दिन जो चेंजिंग आता है एनवायरमेंट में, ठीक है, उसी को हम वेदर कहेंगे। एट ए प्लेस, किसी खास जगह पे, तो किसके रिस्पेक्ट में? तो विथ रिस्पेक्ट ऑफ द टेम्परेचर, टेम्परेचर, ठीक है। अभी टेम्परेचर बढ़ गया, काफी पसीना चल रही है, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी, ओके, विंड स्पीड, विंड स्पीड, ठीक है, विंड स्पीड एटीसी इज कॉल्ड वेदर, क्लियर। ये डेफिनेशन आपको याद रखना है। द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमोस्फेयर एट ए प्लेस विथ रिस्पेक्ट ऑफ द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, और भी कुछ चीजें हैं, हम लोग एलिमेंट ऑफ वेदर में पढ़ेंगे, इसको हम लोग वेदर कहेंगे, ठीक है। पता है वेदर एक साइंस का ब्रांच भी होता है, साइंस का एक ब्रांच होता है। अब जैसे हम लोग एक बुक है जिसमें साइंस पढ़ रहे हैं, साइंस के बारे में पढ़ रहे हैं, उसी तरह एक अलग से बुक होता है जिसमें हम लोग सिर्फ वेदर के बारे में स्टडी करते हैं, उसको कहते हैं मेटियोरोलॉजी। क्या करते कहते हैं? मेटियोरोलॉजी। तो इसका भी डेफिनेशन हो सकता है, इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस, ओके, या सोशल साइंस भी हम कह सकते हैं इसको। इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी अबाउट वेदर is called meteorology, meteorology नहीं
मेटियोरोलॉजी, मेटियोरोलॉजी। अब यहां पे दो डेफिनेशन हो गया, वेदर का और मेटियोरोलॉजी का। अब मेटियोरोलॉजी जो पढ़ेगा, जो पर्सन, जैसे साइंस जो पढ़ता है क्या करता है, साइंटिस्ट, साइंस के ऊपर काम करने वाला साइंटिस्ट, तो मेटियोरोलॉजी के ऊपर जो पढ़ाई करेंगे, काम करेंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, मेटियोरोलॉजिस्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, मेटियोरोलॉजिस्ट। ओके, इसको आप नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटा दे रहा हूं, आप आगे पीछे करके नोट कर सकते हैं, इसको कर लेंगे और आपको नोट करने के बाद मुझे पिक्चर भेजना भी है। अगला टर्म है मेटियोरोलॉजिस्ट, मेटियोरोलॉजिस्ट, ठीक है। तो मेटियोरोलॉजिस्ट का डेफिनेशन क्या लिखेंगे, इट इज द पर्सन, द पर्सन स्टडी अबाउट, स्टडी अबाउट वेदर, वेदर इज कॉल्ड मेटियोरोलॉजिस्ट, मेटियोरोलॉजिस्ट, मेटियोरोलॉजिस्ट। क्लियर, जो व्यक्ति, जो पर्सन मेटियोरोलॉजी पढ़ेगा उसी को हम लोग मेटियोरोलॉजिस्ट कहेंगे, ठीक है। अब देखिए, इसको मिटा देता हूं, फिर आप आगे देखेंगे। ओके, कनेगा बीट, यस। चलिए, ये क्लाइमेट भी मैं मिटा दे रहा हूं, चैप्टर का नाम आप नोट कर लेंगे। अब है कि कौन कौन से ऐसे चीजें हैं जो वेदर को डिटरमाइन करता है कि ये अगर बदलेगा तो वेदर बदल जाएंगे, ऐसा आप अंदाजा लगाओ क्या क्या हो सकता है। तो हेडिंग बनाइए, एलिमेंट ऑफ, एलिमेंट ऑफ, एलिमेंट ऑफ वेदर, ठीक है, एलिमेंट ऑफ वेदर, EWH अगर लगा देंगे तो इसका वेदर हो जाएगा, ये इंग्लिश का वर्ड हो जाएगा और ये वेदर मतलब मौसम हो, ठीक है, एच नहीं लगाना है इसमें, एलिमेंट ऑफ वेदर। तो वेदर के कुछ ना कुछ फैक्टर होंगे, कुछ ना कुछ एलिमेंट होगा। तो सबसे पहले, पहला जो एलिमेंट होगा वो हमारा होगा टेम्परेचर। अब देखिए, जैसे ही टेम्परेचर अप डाउन होगा तो क्या होगा, ये एबायोटिक फैक्टर है, टेम्परेचर के अप डाउन होने से ही हमारे मौसम पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, मौसम चेंज होने लगेगा। अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो पसीना आना शुरू हो गया, टेम्परेचर कम है ठंडी लगनी शुरू हो गई, है ना, ठंडी गर्मी सीजन जो बदल रहा है ये टेम्परेचर के कारण ही बदल रहा है। तो टेम्परेचर हमारे एनवायरमेंट में वेदर का सबसे मेन एलिमेंट है, इस बात का ध्यान रखना है। तो अगर इसकी मेजरमेंट की बात करें, टेम्परेचर मेजरमेंट की बात करें, तो ये किस चीज से मेजरमेंट लिए जाते हैं, तो थर्मामीटर से, किस चीज से, थर्मामीटर से। थर्मामीटर दो तरह का होता है, है ना, वैसे तीन तरह का ले लीजिए। पहला जो होता है उसको कहते हैं क्लिनिकल, क्लिनिकल थर्मामीटर, है ना, क्लिनिकल थर्मामीटर, क्लिनिकल थर्मामीटर। अब क्लिनिकल थर्मामीटर आपको तीन तरह के दिखने को मिलेगा, एक तो होता है नॉर्मल, है ना, नॉर्मल थर्मामीटर, नॉर्मल थर्मोमीटर, क्लियर। दूसरा जो होता है वो होता है डिजिटल, है ना, डिजिटल थर्मामीटर। और तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं स्कैनर, जो आजकल ये बंदूक वाला देखते हैं आप लोग सर पे लाइट लगा के, स्कैनर, ये लेजर लाइट होता है, स्क्रीनिंग होता है, इससे लेजर लाइट से इसको मापा जाता है। और जो सेकंड होता है वो होता है लेबोरेटरी थर्मामीटर, लेबोरेटरी, लेबोरेटरी थर्मामीटर। आप लोग हीट चैप्टर में पढ़े भी होंगे, हीट चैप्टर में मैंने आपको थर्मामीटर दिखाया भी था, लेबोरेटरी थर्मामीटर लंबा सा होता है। और जो चौथा है उसको कहते हैं मैक्सिमम, मैक्सिमम एंड मिनिमम, मिनिमम थर्मोमीटर, ठीक है, मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर। अब देखिए, हम लोग को यहां पे यूज करना है मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर का। पेपर में आप देखेंगे, मोबाइल में भी आप, वेदर कंडीशन में आप देखेंगे कि आज का मैक्सिमम टेम्परेचर कितना रहने वाला है, आज का मिनिमम टेम्परेचर कितना रहने वाला है, ठीक
ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ इस थर्मामीटर का यूज हम लोग इस चैप्टर में करेंगे, ये जो है हीट चैप्टर में हम लोगों ने देखा था, ये सिर्फ टाइप्स ऑफ थर्मामीटर हमने बताया, इसको आप नोट कर लेंगे सेम टू सेम। तो टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए ये तीन चीजें हैं, इसके तीन पार्ट है और ये दोनों अकेले अकेले है, क्लियर। तो पहला जो क्लाइमेट है वो है हमारा टेम्परेचर, इसको मेजरमेंट लेने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट चाहिए, तो थर्मोमीटर चाहिए, क्लियर। थर्मोमीटर के टाइप्स वगैरह हो गए, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। ओके, नेक्स्ट जो हमारा एलिमेंट होगा वेदर का वो होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, प्रेशर हमारे हेड पे बहुत बड़ा प्रेशर है। अगले क्लास में आप पढ़ेंगे फोर्स एंड प्रेशर, एक चैप्टर जो एट में पढ़ना है, उसमें बताया जाता है कि ये प्रेशर हमारे बॉडी के ऊपर कितना लगा हुआ है। प्रेशर अगर नहीं देंगे, नहीं होगा, तो हमारा बॉडी क्रैश हो जाएगा, फट जाएगा। अंदर से भी प्रेशर, बाहर से भी प्रेशर, बहुत बड़ा प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये नापा जाता है बैरोमीटर, इसको जो मापने का जो इंस्ट्रूमेंट है इसका नाम है बैरोमीटर, ठीक है। 76 ये मरकरी लिया जाता है सेंटीमीटर में, तो इसको फिर देखेंगे हम लोग बैरोमीटर में इसकी मेजरमेंट होती है। अब होता है ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी देखिए कभी कभी क्या होगा, जैसे आज का मौसम वैसा ही है, हवा काफी तेज चल रही है लेकिन एकदम चिपचिपा हो जा रहा है बॉडी। एनवायरमेंट में कितने वाटर है, वाटर कितने उड़ रहे हैं, है ना, कितना है मॉइस्चराइजिंग, कितनी मौजूद है। ह्यूमिडिटी की स्पेलिंग गलत हो गई, ह्यूमिडिटी, ओके, ह्यूमिडिटी, कितना मॉइस्चराइजर प्रेजेंट है हमारे एनवायरमेंट में, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चराइजर इन आवर एनवायरमेंट इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी, ठीक है ना। तो ह्यूमिडिटी की भी मेजरमेंट हम लोग लेते हैं जिस इंस्ट्रूमेंट का नाम है हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर। ये सब नोट करते जाना क्योंकि ऑब्जेक्टिव में मैं क्वेश्चन बनाता हूं, मैचिंग करूं प्रूफॉल्स, इन सब में क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये तीसरा है कि हमारे जैसे बारिश हो रही है तो उसमें क्या होगा, ह्यूमिडिटी ज्यादा होगा, है ना। कभी कभी बारिश नहीं होने के बावजूद भी हवा भी काफी चल रही है और ह्यूमिडिटी काफी ज्यादा होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है क्लाउड एंड रेन, क्लाउड एंड रेन, ठीक है। अगर बादल लगा हुआ है तो हमारा मौसम कैसा होगा, थोड़ा सा ठंडा होगा, बारिश हो रही है फिर भी ठंडा है, एकदम क्लियर है कि क्लाउड एंड रेन आपके सीजन को अफेक्टेड करता है। तो रेन की अगर मेजरमेंट अगर लेने की बात होगी तो इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेन गेज। क्या बोलेंगे? रेन गेज। वैसे मापने वाले किसी भी चीज को हम लोग गेज कहते हैं, ठीक है। गाड़ी वगैरह में मोबाइल वगैरह चेक करते हैं उसको रेन गेज कहते हैं। इसके बाद है विंड स्पीड। अब देखिए एयर होता है, एयर को ही मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। जब एयर मूव करेंगे तो उसको विंड कहेंगे, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। तो विंड कितना, अगर नॉर्मली हवा बिल्कुल नहीं चल रहा है तो बड़ी परेशानी होती है, हवा हल्का हल्का चल रहा है बड़ा मजा आता है, थोड़ा सा और स्पीड चल रहा है थोड़ा सा और अच्छा लगता है, लेकिन वही स्पीड काफी तेज चलने लगे जो बंगाल में अभी अम्फन आया था, इतने स्पीड में चले कि छत को उड़ा दे, छप्पर को उड़ा दे, सेट को उड़ा दे, गाड़ी को उड़ा दे, पेड़ को गिरा दे, पोल को गिरा दे, टावर को गिरा दे, लीजिए ये कौन सा मौसम होगा, तो फिर बड़ी परेशानी होगी। तो विंड स्पीड हमारे वेदर के बहुत बड़े फैक्टर है, है ना, विंड स्पीड बहुत बड़े फैक्टर है। तो विंड स्पीड में ये दो बातें हैं, इसमें मेजरमेंट करने की ये दो चीजें, एक तो डायरेक्शन, एक डायरेक्शन की मेजरमेंट होती है और दूसरा इसके स्पीड की मेजरमेंट होती है, ठीक है। स्पीड की मेजरमेंट होती है कि कितने किलोमीटर पर आवर के अकॉर्डिंग ये बढ़ रहा है। तो अगर डायरेक्शन की अगर मेजरमेंट होगी तो इसको मेजरमेंट लेने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है उसको हम लोग कहते हैं विंड वेन, विंड वेन, ठीक है। और स्पीड अगर लेने की बात है तो इसको हम लोग कहते हैं एनीमोमीटर, क्या कहेंगे, एनीमोमीटर। तो ये इंस्ट्रूमेंट हो गया। तो अभी तक आप लोगों ने देखा कि वेदर क्या होता है, वेदर के पढ़ने वाले बुक्स को क्या कहते हैं, मेट्योरोलॉजी कहते हैं, जो पर्सन उस मेट्योरोलॉजी पढ़ते हैं उसको मेट्योरोलॉजिस्ट कहते हैं। और उसके बाद आपने देखा कि एलिमेंट ऑफ वेदर क्या होता है, तो टेम्परेचर होता है जिसको मेजरमेंट लेने के लिए थर्मामीटर काम आते हैं। थर्मामीटर तीन तरह का होता है, क्लिनिकल होता है, लेबोरेटरी होता है, मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर होते हैं। क्लिनिकल थर्मामीटर को तीन पार्ट में बांटा गया है, ठीक है, और वो हम लोग हीट चैप्टर में पढ़े हैं। इसके बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है जिसका मेजरमेंट हम लोग बैरोमीटर से लेते हैं। फिर ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी मतलब मॉइस्चराइजिंग, कितना मॉइस्चराइजर प्रेजेंट है एनवायरमेंट में ये कैलकुलेट होता है। इसकी मेजरमेंट लेने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है इसका नाम हाइग्रोमीटर है। और क्लाउड एंड रेन, इसको बारिश की बात हो गई,
इसमें जो रेन गेज होता है जिससे बारिश का मेजरमेंट होता है, रेन का मेजरमेंट होगा। और लास्ट फाइनल हो गया ये विंड स्पीड हो गया। विंड स्पीड में दो चीज हमको मेजरमेंट करना है, एक तो उसका डायरेक्शन कि किधर से आ रहा है, ईस्ट से आ रहा है, वेस्ट से आ रहा है, साउथ से, नॉर्थ से, किधर से आ रहा है। तो डायरेक्शन पता होना चाहिए कि किधर से आ रहा है। इसके लिए एक मशीन इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम विंड वेन है और उसकी स्पीड कितनी है, कितने किलोमीटर पर आवर के अकॉर्डिंग ये चल रहा है, उसके लिए मेजरमेंट जो लेते हैं उसका जो इंस्ट्रूमेंट का नाम है उसका नाम है एनीमोमीटर। तो मैक्सिमम क्वेश्चन इस जितने भी चीजें लिखाया गया है इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। क्या क्वेश्चन बना सकते हो आज जरा मैं आपको क्वेश्चन बनाना बताता हूं। देखते हैं इसमें कितने लोग क्वेश्चन बना के मुझे व्हाट्सएप करेंगे। 9430977544 दिस इज माय पर्सनल नंबर एंड यू कैन सेंड ऑल द होमवर्क इन योर ग्रुप आल्सो। ओके तो क्वेश्चन क्या बनेगा, पहला क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज वेदर, पहला क्वेश्चन 3 नंबर का। ओके दूसरा क्वेश्चन व्हाट इज मेटियोरोलॉजी, ओके ये भी एक क्वेश्चन बनेगा। थर्ड क्वेश्चन व्हाट इज मेटियोरोलॉजिस्ट, ये भी क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगी राइट द एलिमेंट ऑफ वेदर, ये भी एक क्वेश्चन बनेगा। 5 एलिमेंट है। उसके बाद आप ट्रू फॉल्स मैचिंग कॉलम में बना सकते हो कि व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ टेम्परेचर, यूज द टेम्परेचर मेजरमेंट, टेम्परेचर मेजरमेंट करने में किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, बैरोमीटर का। इस तरीके से आप हर टॉपिक पे क्वेश्चन बना सकते हो, हर वर्ड आपका क्वेश्चनेबल है आज के डेट में। ठीक है तो देखते हैं आज कितने लोग मुझे होमवर्क करके भेजते हैं और बाबू ये नोट्स बनाते जाएंगे क्योंकि जब भी स्कूल खुलेगी तो फेयर करके हम लोग स्पीडली आगे बढ़ेंगे। ओके तो आज के लिए प्रॉपर इतना ही, कल हम लोग नेक्स्ट डे यानी कि नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगी आपके सामने तो उसमें हम लोग क्लाइमेट के ऊपर डिस्कस करेंगे। ओके गुड बाय।